हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और स्पाइसी विद रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक ही डिश ऑर्डर करते हैं और वो है शाही पनीर। खाने में इतनी टेस्टी शाही पनीर आप घर पर भी बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते। आज मैं लेकर आई हूँ अब तक की सबसे यूनिक और एकदम आसान शाही पनीर की रेसिपी, जो टेस्ट, फ्लेवर और कलर में ऐसी है कि आप होटल का शाही पनीर खाना ही भूल जाएंगे और यही शाही पनीर आप हमेशा बनाना चाहेंगे। आज की शाही पनीर की रेसिपी आपके नॉर्मल डेली घर में बनाए जाने वाले शाही पनीर से अलग भी है, ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत आसान भी है, और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक, शेयर और स्पाइसी वेज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बनाना शुरू करें सुपर टेस्टी और क्रीमी शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे तेल। हमने यहाँ एक बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है और अब हम ऐड करेंगे घी। घी से पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम घी और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। हमारा घी और तेल अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। हमने यहाँ दो मीडियम साइज अनियन का इस्तेमाल किया है और अब हम अच्छे से एक से दो मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमारा प्याज हल्का सा भून चुका है तो अब हम प्याज को साइड कर लेंगे और अब हम ऐड करेंगे खड़े मसाले। लेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, साबुत जीरा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे फ्रेशली ग्रेटेड एक चम्मच जिंजर और एक चम्मच गार्लिक का। हमने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक को ग्रेट कर लिया था, आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हम प्याज को पारदर्शी होने तक भूनेंगे। जब हमारा प्याज भून जाएगा तो उसकी ये सारी लेयर्स खुल जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। चलिए, जब तक ये भून रहा है हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और दही की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप दही। हमने होममेड दही का इस्तेमाल किया था और उसे अच्छे से फेंट लिया था। और उसमें अब हम ऐड करेंगे हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची, हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और रेगुलर रेड चिली पाउडर। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से हमारे शाही पनीर में बहुत अच्छा सा कलर आएगा और दही से हमारे शाही पनीर में बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा। हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, बिल्कुल पारदर्शी हो चुकी है। तो हम ऐड करेंगे दही और स्पाइसेस का वो मिक्सचर जो हमने अभी तैयार किया था। धीरे धीरे ऐड करेंगे, आँच को कम ही रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। दही और सभी मसालों को अच्छे से 5 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि मसालों का जो फ्लेवर है वो दही में अच्छे से आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारी ग्रेवी में तेल ऊपर फ्लोट करना शुरू कर चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे काजू। काजू को हमने करीब 1 घंटा गुनगुने पानी में भिगो लिया था, जिससे कि अभी ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। हमने यहाँ 2 कप कटे हुए टमाटरों का इस्तेमाल किया है और अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और
सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब टमाटर को ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। करीब 12 मिनट का समय बीत चुका है। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। ग्रेवी का कलर देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च का कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम तैयार करेंगे शाही पनीर की ग्रेवी। ग्रेवी तैयार करने के लिए मिक्सचर को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और सभी खड़े मसालों को निकाल लेंगे। खड़े मसालों का काम हो चुका है और हमारा मिक्सचर भी अब ठंडा हो चुका है। चलिए अब इसे बारीक पीस लेते हैं और एक फाइन ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। और अब हम शाही पनीर के इस मिक्सचर को बारीक पीस लेंगे। हमारी शाही पनीर की ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार है। चलिए अब इसे छान लेते हैं। छानना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना छाने भी ग्रेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छानने से हमारा जो शाही पनीर है वो बहुत ही क्रीमी सिल्की सिल्की बनकर तैयार होगा। चलिए हमारी ग्रेवी छन चुकी है। चलिए हमारी स्मूथ क्रीमी और सिल्की शाही पनीर की ग्रेवी बनकर तैयार है और अब हम ग्रेवी को लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून घी और सेम 2 टेबलस्पून बटर। हमने इक्वल क्वांटिटी में बटर और घी का इस्तेमाल किया है। इससे हमारे शाही पनीर में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हमारा बटर अच्छे से पिघल चुका है तो अब हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और अब हम ऐड करेंगे हमारी तैयार की हुई शाही पनीर की ग्रेवी और अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए ग्रेवी को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है। हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनी है और अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। और अब हम पानी और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से लगातार चलाते हुए उबाल लेंगे ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी स्मूथ क्रीमी और सिल्की शाही पनीर की ग्रेवी बनकर तैयार है। और अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे चीनी। चीनी से क्या होगा, टमाटर और दही की जो खटास है वो बैलेंस हो जाएगी और हमारी बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और अब हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल स्मूथ क्रीमी और सिल्की शाही पनीर की ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब इस स्टेज में मैं ग्रेवी में डालने जा रही हूँ पनीर के क्यूब्स। आप चाहें तो पनीर को तिकोने शेप में भी काट कर डाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आने वाला है हमारे शाही पनीर में। और अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। हमने रेडीमेड क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घर में भी मलाई को अच्छे से फेंट करके ऐड कर सकते हैं। करीब 2 बड़े चम्मच मलाई का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। और अब हम शाही पनीर में डालेंगे इलायची पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके हम शाही पनीर में ऐड कर देंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम पर सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना बेहतरीन शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए शाही पनीर का कलर, टेक्सचर, फ्लेवर कितना लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया लगेगी ये रेसिपी आपको। आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी शाही पनीर की ये रेसिपी आपको। आप शाही पनीर को रोटी, पराठा, नान, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मेरी और भी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। रेसिपीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल खोल कर वीडियो को लाइक कीजिए और सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप आपके अपने चैनल स्पाइसी वेज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं स्पाइसी वेज रेसिपीज़ में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।